भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 2 से 3 दिन में इसके तमिलनाडु के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ने की संभावना है। IMD के चेन्नई कार्यालय के महानिदेशक ने कहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 29 से 31 अक्टूबर तक मध्यम बारिश की संभावना है। बुधवार को जारी हुई IMD के बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अगले 3 दिनों के दौरान इसके पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। IMD ने तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी भविष्यवाणी की है। IMD के बुधवार के बुलेटिन में बताया गया था कि दक्षिणी राज्यों में तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर 31 अक्टूबर तक भारी बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभव है। दक्षिणी राज्यों को छोड़कर सामान्य तौर पर पूरे भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना नहीं है। देश के एक बड़े हिस्से में पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इससे ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले दिनों में तापमान में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम साफ रहने से कृषि कार्य तेजी से हो रहे हैं। अक्टूबर में हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया था, अब शुष्क मौसम के प्रभाव से पानी कम हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में खेतों से पानी पूरी तरह उतर जाएगा, इसके बाद कटाई के काम में तेजी आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।